जो उनका पिछला रिकॉर्ड है। सरस्वती शिशु मंदिर से निकला है, सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू में पढ़ा है, पहले कैल्टन इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था, देर आफ्टर सरस्वती शिशु मंदिर साऊ जो डिप्टीगंज में सरस्वती शिशु मंदिर है वहाँ से उसने फिफ्थ क्लास पास किया और उसके बाद में स्कॉलरशिप मिला उसको, और उसके बाद आर्यन इंटर कॉलेज में उसने इंटरमीडिएट किया और दोनों साल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उसको फर्स्ट डिवीज़न मिली। उसका नाम पीछे कलेक्टर ये जो प्रिंसिपल है उसके बाहर जो बोर्ड लगा हुआ उसमें अभी दर्ज है। और उसके बाद में मेरे बेटे ने डिप्लोमा के लिए काशीपुर गया जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका पॉलिटेक्निक का पॉलिटेक्निक किया, और उसके बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी से बी किया, फिर एमटेक करने के लिए वो जो था वो आरईसी जयपुर एमआरईसी जयपुर मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर तो वहाँ करने के लिए गया, और इन द मीन टाइम इसरो में सिलेक्शन हो गया ईश्वर की कृपा से। तो शुरू से काफ़ी ब्रिलियंट रहा है और उसके बाद में इसरो में आ गया। चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड की अगर बात की है तो क्या जिम्मेदारी थी चंद्रयान वन और चंद्रयान टू में पूरी टीम के साथ में उसने अपना काम किया है, अहम रोल किया है। चंद्रयान टू में विशेष रूप से IIRS जो उसका कैमरा बना हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर उस पर विशेष रूप से उसने काम किया है, और उसके जिसके जरिए आज भी वो चंद्रयान टू जो का ऑर्बिटर आज भी स्पेस में घूम रहा है, भारत के नाम रोशन कर रहा है। और आज की तारीख में इसरो में दो तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं, एक तो ऑलरेडी आपका जो है वो जो चंद्रयान थ्री का जो हो गया हुआ है वो है, और ऑर्बिटर इसका जो चंद्रयान टू का है वो भी अभी कार्यरत है, जबकि एक साल के लिए भेजा गया था और तीन साल के लिए भी वो चल रहा है। ये इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसके जो उसने जो कैमरास बनाए थे उन कैमरास के यानी उसने उसकी टीम ने कह सकता हूँ उसकी टीम ने इसरो की टीम ने मिलकर जो कैमरास बनाए थे काफ़ी सीनियर लेवल का साइंटिस्ट है, तो उसके ज़रिए चंद्रमा के ऊपर पानी है ऐसा करके उसमें सूचना मिली पूरे विश्व को, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद में जो कुछ भी उसकी कमियां रहीं नीचे उतरने में तो उसको भी उसने केयरफुली यानी चंद्रयान टू के ज़रिए ही कुछ बहुत सारी एनालिसिस हुई होंगी इसरो में, तो उसके ज़रिए बातचीत चल रही। और अब आज की तारीख में आज चंद्रयान थ्री भारत के लिए एक गौरव का विषय बनेगा, ये पूरा पक्का विश्वास है कि निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि पिछली जो चीज़ें जो कि उसके रोवर में गलतियां कुछ कमियां कुछ भी कारण रहे हों तो उससे बहुत सीखा आपने देखा, मोदी जी ने भी बहुत वहाँ के इसरो के जो चीफ थे उनको पीठ थपथपाई और बहुत सांत्वना दी कि कोई चिंता की बात नहीं है, और उसका नतीजा ये है कि निश्चित रूप से आज भारत इतनी तेज़ी से तीन साल के अंदर उठ के खड़ा हो गया, और चंद्रयान थ्री में आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम जो हैं वो अपने स्तर पर, ये भारत के लिए गर्व की बात है कि हम चंद्रमा के ऊपर अपना चंद्रयान भेजने की स्थिति में है। और मुझे पूरा पक्का विश्वास है इसरो की टीम पर, क्योंकि इतने काबिल साइंटिस्ट हैं वहाँ पर, और हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इतने पूरे विश्व के अंदर काबिल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर झंडा गाड़ा है, तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है, मुझे कोई शको शुबह की गुंजाइश ही नहीं है कि आज चंद्रयान तीन अपने मिशन में सफल ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आज चंद्रयान तीन अपने मिशन में सफल होगा और वहां पर लैंड करेगा। आप बेटे से आपकी बात हुई, लास्ट टाइम कब बात हुई और क्या उन्होंने कहा? मेरे बेटे से प्रतिदिन मैं चूंकि आ रहता हूँ, उसकी मेरी मिसेस की डेथ हो गई चंद्रयान टू में, वो उस समय भी वो वहाँ पे गया हुआ था चंद्रयान टू के संदर्भ में अपने पेलोड्स के सिलसिले में, तो उसी समय मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, अपोलो हॉस्पिटल में कैंसर हो गया था उनको,
उस समय उनकी सीरियस कंडीशन हुई, वहाँ से फिर वो वापस आया और तभी डेथ हो गई थी। तो मेरा बेटा रोज ही, कोई दिन शायद नहीं होता जिस दिन वो मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर बात ना करे, पर पूरा पूरा ध्यान रखता है। आप इतना समझ सकता हूँ, मैं गर्व कर सकता हूँ अपने बच्चों के ऊपर, तीनों बच्चों के ऊपर गर्व कर सकता हूँ। लेकिन ये बड़ा बेटा इतना है कि अहमदाबाद में रहते हुए जब मेरे को जो कोविड हुआ, रात को बुखार आया और मैंने सुबह उसको बताया बेटा बुखार आ गया, और मैंने कहा मैं देख लूँगा, कोई चिंता नहीं करो। लेकिन उसने अपनी चिंता किए बगैर वहाँ से यहाँ पर तुरंत आ गया। किस तरह का फील कर रहे हैं आज? मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ अपने देश के लिए और अपने सारे साइंटिस्ट के लिए और इसरो के लिए। मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है, और अपने बेटे के लिए मैं पूरे गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि वो इतना हमारा ध्यान रखता है और अपने काम में तल्लीन रहता है रात दिन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।